अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपने अपने गरेबान में मतीउल्लाह जान। सियासत और सफारतकारी दो मुख्तलिफ खेल हैं। कभी सियासत सफारत पर हावी होती है और कभी सफारत सियासत पर। इसी तरह कभी सफारतकार सियासतदानों पर और कभी सियासतदान सफारतकारों पर। इसकी एक झलक हमें हाल ही में पाकिस्तान में इस्लामाबाद में सार्क वज़राए दाखला कॉन्फ्रेंस में देखने को मिली, जब भारत के वज़ीर दाखला राजनाथ ने दहशतगर्दी के हवाले से कुछ बयान दिए और फिर उनके जवाब में चौधरी निसार अली खान ने भी दहशतगर्दी के हवाले से कुछ बयान दिए और दोनों ने एक दूसरे के मुल्कों का नाम लिए बगैर ही एक दूसरे को ही तनकीद का निशाना बनाया। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि भारतीय वज़ीर दाखला लंच की अटेंड किए बगैर ही और जो कॉन्फ्रेंस थी उसके बाकी सेशन अटेंड किए बगैर ही वापस अपने मुल्क चले गए और पाकिस्तानी वज़ीर दाखला जिन्होंने लंच होस्ट किया था वो लंच पर ही नहीं गए। इस कॉन्फ्रेंस की एक और ख़ास बात यह थी कि सार्क ममालिक ने तमाम ममालिक ने जो अराकीन रुकन हैं उन्होंने अपने वज़ीर दाखला को नहीं भेजा था। वज़ीर दाखला सिर्फ भारत से आए, भूटान और श्रीलंका से। श्रीलंका जहाँ आइंदा सार्क वज़ीर दाखला कॉन्फ्रेंस भी होनी है। अफगानिस्तान और मालदीव ने डिप्टी नायब वज़ीर आज़म वज़ीर दाखला भेजे और नेपाल ने सेक्रेटरी दाखला भेजा और बांग्लादेश ने तो सिर्फ पाकिस्तान में मुतय्यन अपने सफ़ीर पर ही गुजारा किया। इस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सी बातें हो रही हैं, मैं उन हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे आज हम, मगर मेहमानों का पहले तारफ कराते चलें। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद नज़ीर, दिफाई तर्जयकार हैं उनके साथ, तारिक पीरज़ादा साहब हैं जो कि एक सीनियर पोलिटिकल और डिप्लोमेटिक एनालिस्ट भी हैं, और हमें लाहौर से ज्वाइन किया है सरदार आसिफ़ अहमद अली ने जो कि साबिक वफाकी वज़ीर ख़ारजा हैं। कुछ देर में हमें वो भी ब्राह रास्त ज्वाइन करेंगे। हमें टेलीफोन लाइन पे मुस्लिम लीग नून हुक्मरान जमात के सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम भी ज्वाइन करेंगे और हमारी कोशिश है कि हम तर्जमान वजारत दाखला वजारत ख़ारजा मोहम्मद नफीस ज़करिया से भी टेलीफोन पर रबता करें और उनसे बात करें, और इसके अलावा भारत के चेयरमैन काउंसिल फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जो हैं उनसे भी फ़ोन पे हम इस प्रोग्राम के हिस्से में रबता करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको गुफ्तगू की तरफ ले जाऊं, पहले मुख्तसरन सुनते हैं कि आखिर वजारत जो वज़ीर दाखला हैं भारत के उन्होंने कहा क्या था, उनके बयान का खुलासा अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो उनका ये कहना था कि दहशतगर्दी कोई अच्छा दहशतगर्द या बुरा दहशतगर्द नहीं होता और दहशतगर्दी की हर हाल में मजम्मत की जानी चाहिए और जो ममालिक और जो तंजीमें दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ सख्त इकदामात करने चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था मगर यकीनी तौर पे कश्मीर की जो सूरत हाल है मकबूजा कश्मीर की उस तनाजुर में ये बयान बराह रास्त पाकिस्तान पे एक हमला था और सियासी हमला हम कहें। इसके जवाब में चौधरी निसार अली खान ने भी भारत का नाम लिए बगैर कहा कि हमें जो तहरीक आज़ादी हैं उसमें और दहशतगर्दी में फ़र्क करना होगा और जो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मासूम लोगों को ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल का निशाना बनाया जा रहा है मुकाबले मजम्मत है और उनका हवाला यकीन तौर पर मकबूजा कश्मीर के हालात से था। इस जवाब के बाद भारतीय वज़ीर दाखला कॉन्फ्रेंस से छोड़कर चले गए थे। मुख्तसरन आपको सुनाते हैं पाकिस्तानी वज़ीर दाखला ने एग्जैक्टली कहा क्या था। वी बिलीव इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ डिफरेंशिएशन बिटवीन टेररिज्म एंड फ्रीडम मूवमेंट्स पर्टिकुलरली दोज विच हैव बीन सैंक्टिफाइड बाय द रेजोल्यूशंस ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। वी हैव सीन ब्रूटल फोर्स बीइंग यूज्ड अगेंस्ट अनआर्म्ड सिविलियंस। It is important to respect the fundamental human rights of the people and not suppress freedom struggle in the name of fight against terrorism. As for terrorism, it is a global problem. Our region too has been afflicted by this menace. I need not mention that Pakistan itself has been one of the biggest sufferers of terrorism. I very firmly and strongly believe that instead of engaging in blame game and taking swipes at each other, we should take
टाइम आउट टू रिफ्लेक्ट एंड देन सिट आउट सिट डाउन टुगेदर। वज़ीर दाखला चौधरी निसार ने यह बयान दिया उस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और इस दौरान भारतीय वज़ीर दाखला भी मौजूद थे। भारतीय वज़ीर दाखला राजनाथ जब वापस पहुँचे तो लोकसभा में उन्होंने इस वाक़े के हवाले से एक मुख्तसर बयान भी दिया। देखते हैं भारतीय वज़ीर दाखला ने लोकसभा में क्या बताया कि क्या हुआ इस्लामाबाद पाकिस्तान में। अब हमारी वहाँ पर जो स्पीच थी कवर की गई कि नहीं की गई, और कवर करने की ऐसी परंपरा पहले रही है कि नहीं रही है, नहीं की गई तो क्या डेलिबरेटली नहीं की गई, इसका उत्तर देना इस समय हमारे लिए कठिन होगा। हां इतना, क्योंकि मैं तो स्पीच दे रहा था, मैंने नहीं देखा कि उसका लाइव टेलीकास्ट हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन यह सच है कि भारत से जो दूरदर्शन और एएनआई के रिपोर्टर और हमारे पीटीआई के रिपोर्टर्स थे उनको अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी। यह सच। और वहां के मंत्री के द्वारा अथवा वहां की सरकार के द्वारा मर्यादित व्यवहार मेरे साथ हुआ कि नहीं हुआ, डिप्टी चेयरमैन सर यह बोलने में मुझे संकोच है। उन्हें जो करना था उन्होंने किया, मैं उस संबंध में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना चाहता, और मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। लेकिन हमारे भारत का सवाल यहां तक है कि मेहमान नवाजी में भारत की एक सारी दुनिया में साख है, हम अपनी उस साख को हमको बनाकर रखना चाहिए, और इसके प्रति हमको अपनी प्रतिबद्धता। ये हाँ यह बात सच है कि मीटिंग समाप्त होने के बाद दोपहर की जो होस्ट थे वहां के गृहमंत्री जी ने, उन्होंने सबको लंच पर आमंत्रित किया, लेकिन लंच पर आमंत्रित करने के बाद वो तुरंत गाड़ी पर बैठे और चले गए। तो मुझे भी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए, देश की मर्यादा का ध्यान रखते हुए जो कुछ भी करना था वो मैंने भी किया। लेकिन मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं डिप्टी चेयरमैन सर कि मुझे इसको लेकर कोई नाराजगी नहीं है, मैं वहां भोजन करने नहीं गया था। आपने सुना भारतीय वजीर दाखिला राजनाथ लोकसभा में अपनी पोजीशन वाजे कर रहे थे। उन्होंने एक ख़ास बात यह की कि वो ये नहीं जानते कि पाकिस्तानी मीडिया ने या पाकिस्तानी टेलीविज़न चैनल्स ने उनकी तकरीर को दिखाया या नहीं, वो अभी भी अपनी ही तकरीर के शहर में गुम थे। हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन पे तर्जुमान दफ्तर खारजा मोहम्मद नफीस ज़िक्रिया ने, हम उन्हीं से ही गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। नफीस ज़िक्रिया साहब बहुत शुक्रिया अपना गिरबान को वक्त देने का। ये बताएंगे कि भारतीय वज़ीर दाखला का यूं अचानक कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले जाना, और वज़ीर दाखला हमारे चौधरी निसार साहब जिन्होंने लंच होस्ट किया था वो मेज़बान थे, वो वहाँ पे मौजूद ना होना, ये कोई सफारती सतह पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या कोई ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था? देखिए जनाब, पहली बात तो ये कि मैंने आप बता दिया था पहले ही कि मैं चूँकि उसका हिस्सा नहीं था तो मुझे इसके बारे में इतनी डिटेल्स नहीं पता है। उन्होंने फरमाया था कि मुझसे कश्मीर के बारे में सवाल किया जाएगा, जी जी, तो मैं उसके लिए हाजिर था। मैंने तो आपसे अगर हम ये जानना चाहें कि वज़ीर दाखला ने जो कुछ भी कश्मीर के हवाले से कहा, यकीनी तौर पे वो तमाम हुकूमत की पोजीशन भी वही है, मगर जो भारतीय वज़ीर दाखला ने वहाँ पे बात की, क्या पाकिस्तानी वज़ीर दाखला को भी उसी वक्त इसी तरीके से जवाब देना चाहिए था और उन्होंने दुरुस्त किया? देखें मैं आपको एक चीज़ अर्ज करूँ, पहली चीज़ तो ये कि जो उन्होंने कहना था वो जो कुछ उसका जवाब था वो उन्होंने बड़ी वजाहत से दे दिया है हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने, और इस सिलसिले में जो है मैं मजीद कुछ नहीं कह सकूँगा। आप अगर मुझसे इस बारे में सवाल पूछना चाहते हैं कि पाकिस्तान के इंडिया के अनुपात के हवाले से कश्मीर के हवाले से, तो मैं हाजिर हूँ। नफीस ज़िक्रिया साहब, फिर मकबूजा कश्मीर की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप समझते हैं कि जिस तरीके से वफाकी वज़ीर दाखला ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल की तरफ दुनिया की तवज्जो दिलाई है, तो क्या
तवज्जो भारत को ज़्यादा देगी या पाकिस्तान को आजकल की सूरत हाल में, जबकि पहले ही पाकिस्तान काफ़ी सफारती दबाव में भी है और आज अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक बयान आया है, तो आखिर पाकिस्तान मज़ीद क्या कर सकता है कि इस इंटरनेशनल दबाव को भारत पर बढ़ाया जाए? मैं आपसे इस चीज़ से थोड़ा सा मतलब इत्तेफाक नहीं करूँगा कि पाकिस्तान किसी दबाव में है। ये जो बाहमी ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ हो या किसी के साथ हो या किसी भी दो दरमियान मुल्कों के दरमियान में हो, इसमें ऊँच नीच जो है वो हर दफ़ा आती रहती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है, पहली बात तो। दूसरी चीज़ ये है कि कश्मीर के इशू के हवाले से मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कश्मीर का इशू जो है वो एक इंटरनेशनल इशू है जिसके ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हैं और तमाम ममालिक जो है जो इसके मेंबर हैं वो इस बात के पाबंद है कि उन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस को जो है वो एक्सेप्ट करें और एडमिट करें। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये एक इंटरनेशनल इशू है जिसमें यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के मुताबिक जो है हल होना है, जिसमें यूएन जो है सुपरवाइज करेगा प्लेबिसिट को, जिसमें कश्मीरियों को जो है हक खुदारियत जो है वो दी जाएगी ताकि वो अपने फैसला कर सके कि वो लाइमन क्या चाहते हैं, क्या तय करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान ने इस सिलसिले में जो है जो इकदाम किए हैं एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी जो हमेशा करता रहा है वो ये है कि तमाम आलमी सतह पर तमाम ममालिक के साथ और तमाम इंटरनेशनल फोरम के ऊपर हमने हमेशा कश्मीर के हवाले से जो है आवाज़ उठाई है, कश्मीर के हवाले से जो है वो सेंसिटाइज किया है पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को। इस दफ़ा के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं कि जिस कदर बर्बरियत वहाँ पर चल रही है, जिस तरीके से मासूम बच्चों को और यंगस्टर्स को जो है उनको आंखों से अंधा कर दिया गया है पैलेट गन्स के जरिए, वहाँ पे हज़ारों लोगों को जिस तरीके से जख्मी कर दिया गया है और न जाने कितने लोगों को वहाँ पर शहीद कर दिया गया है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक पैगाम है, एक मेरे ख्याल में सोचने का वक्त है कि कश्मीर का मसला जो है वो जल्द अज़ जल्द हल होना चाहिए। ये पहली दफ़ा नहीं है इंडिया की ये बर्बरियत जो है या कश्मीरियों की ये जो हालत है ये कई सालों से चल रही है और यही वजह है कि वहाँ पर 1,00,000 से ज़्यादा जो है लोग शहीद किए जा चुके हैं। ठीक, अच्छा ज़कीर साहब, आपसे कुछ देर पहले ही अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जो बयान आया कि पाकिस्तान जो है हर किस्म के जो पड़ोसी ममालिक के अंदर कोई मुदाखलत हो रही है उस हवाले से भी इकदाम करे और बिला तफरीक इकदाम करे, आप इस बयान को कैसे ले रहे हैं और क्या इसके ऊपर कोई संजीदगी से फॉलो अप होगा या ये बयान ही जो है बेबुनियाद असम्पशंस पर बेस्ड है? जहाँ तक पाकिस्तान की पॉलिसी का ताल्लुक है, पाकिस्तान जो है एक अमन पसंद मुल्क है और वह तमाम पड़ोसियों के साथ और जो हमारे दीगर दूसरे ममालिक हैं उनके साथ जो है वो अमन और सलामती के साथ रहना चाहता है, और क्योंकि पाकिस्तान की और ये हमारी ताज़ा पॉलिसी का एक बहुत अहम सतून है और प्राइम मिनिस्टर का विजन जो है वो भी इसी से मुतालिक है, क्योंकि हमें इस चीज़ का यकीन है कि जब तक के खत्ते में अमन नहीं होगा उस वक्त तक इस खत्ते में किसी किस्म की जो है वो तरक्की नहीं हो सकती। ये वो खत्ता है जहाँ पर दुनिया जान की सबसे बड़ी पावर्टी सेकेंड पॉपुलेशन जो है वो यहीं एग्जिस्ट करती है। ठीक, पाकिस्तान एक इकतदारी हैसियत से जो है एक बहुत अहम हैसियत रखता है पूरे खत्ते के अंदर और इसके अंदर वो सलाहियत है कि वो इकोनॉमिक हब और एनर्जी कॉरिडोर बन सके और हम उसी उसूल के ऊपर उसी काम चीज़ के ऊपर जो है कार्बन भी हो काम कर रहे हैं। थैंक यू मोहम्मद नफीस ज़िक्रिया, तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हमें ज्वाइन किया था। मैं जानना चाहूँगा सरदार आसिफ अहमद अली से, साबिक वफाकी वज़ीर खारजा। सरदार साहब, आपने सुना, तर्जुमान को भी सुना, मगर मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो वज़राए दाखिला कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद के अंदर सार्क वज़राए दाखिला की, इसकी कामयाबी क्या होती और ये जो अब वाकया हुआ है क्या इसको हम इस कॉन्फ्रेंस की नाकामी से तशबीह दे सकते हैं? ये है कि हम आपके दूसरे मेहमान भी और मैं भी, हम तो सुनना चाहते थे जनाब स्पोक्समैन से कि हालात वहाँ क्या हुए, क्या डेवलपमेंट हुई। मैं तो हम तो वैसे के वैसे जैसे पहले थे, तो हमारी मालूमात में कोई इजाफा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि दफ्तर खारजा का कोई ताल्लुक नहीं उस कॉन्फ्रेंस से इनकार किया बात करने से। देखें, अल्टीमेटली तो वजारत खारजा ही होती है जिसने फॉरेन पॉलिसी के बारे में, क्योंकि इशू तो सारे फॉरेन पॉलिसी के वहाँ डिस्कस हुए,
तो हमें उन्होंने को ख़ास हमारी मालूमात में इजाफा नहीं किया और उन्होंने एक पॉलिसी जो स्टेटमेंट है वो दे दी कश्मीर के बारे में। आपका तजर्बा क्या कहता है कि क्या ये वज़रा दाखिला कॉन्फ्रेंस कामयाब रही या नाकाम हो गई? नहीं जी, ये तो नाकाम रही क्योंकि वो दोनों जो वज़ीर थे वो कॉन्फ्रेंस से उनका ताल्लुक कम था और वो अपनी अपनी कौमों से मुखातिब थे, तो अपने वो एक यानी स्टेटमेंट देना चाहते थे अपने अपने कौमों को, उन्होंने दे दी। और उसमें जो हिंदुस्तान के जो वज़ीर दाखिला हैं उनका जो पोजीशन है वो एक बड़े सख्त हार्ड लाइनर हैं और कश्मीर के बारे में और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में उनकी उनको एक हॉक कहना, जब मैं समझता हूँ कोई गलत ना होगा, तो वो तो पहले वेल एस्टेब्लिश्ड उनके रेपुटेशन है और वो उन्होंने यहाँ आके एक बड़े ओब्लीक तरीके से पाकिस्तान को लताड़ना शुरू कर दिया और जो कश्मीर में हो रहा है उसकी रेफरेंस के नाम तो नहीं लिया उन्होंने कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी की कुछ सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ। तो उन्हें ये पूछना चाहिए था कि जनाब वो जो हज़ारों और लाखों की तादाद में कश्मीर के बच्चे, नौजवान स्टूडेंट्स जो बाहर सड़कों पे पत्थरों से लड़ रहे हैं, गोलियों का मुकाबला कर रहे हैं, क्या रजनीत सिंह साहब आपको उनमें कोई दहशत, उनको किसी के हाथ में कलिशनिकॉफ या कोई मशीन का नज़र आई? वो तो बेचारे बिल्कुल नहत्ते लोग थे, बच्चे थे, और उनके ऊपर आप गोलियाँ बरसा रहे हैं, उनको उनका खून आप बहा रहे हैं और उनको मजरूब कर रहे हैं, जेलों में डाल रहे हैं। यकीनी तौर पे जो फुटेज या वीडियो फुटेज आ रही हैं हमारे चैनल पे बड़ी खौफनाक हैं और ख़ासकर जो पैलेट्स यूज़ किए जा रहे हैं वो तस्वीर टीवी चैनल्स पे बार बार चलाई जा रही हैं और हम भी दिखा रहे हैं कि वो हालात देख के तो यकीन नहीं आता कि कोई भी महज़ब मुल्क या फोर्स जो है वो इस तरह के हथियार आम शहरी आबादी के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। सरदार साहब एक सवाल, वेलकम बैक, अपना अपना गरेबान में हम बात कर रहे हैं सार के वज़रा दाखिला कॉन्फ्रेंस के हवाले से और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पे हमारे साथ मौजूद हैं सरदार आसिफ अहमद अली, साबिक वफाकी वज़ीर ख़ारजा हैं। सरदार साहब, जो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की मुख्तलिफ ममालिक ने, उनके जो नुमाइंदे थे रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके लेवल को देख के भी कुछ सवाल एक उभरता है। अगर आपको बताता चलूँ कि भारत ने तो वज़ीर दाखिला ने तो आना था, उन्होंने अपना एक बात तो करनी थी, भूटान और श्रीलंका के वज़ीर दाखिला ने भी आइंदा कॉन्फ्रेंस वज़ीर दाखिला की सार की श्रीलंका में है, अफगानिस्तान और मालदीप के डिप्टी वज़ीर दाखिला आए, नेपाल का सेक्रेटरी दाखिला आया और बांग्लादेश का सिर्फ सफ़ीर जो पहले से पाकिस्तान में है। आप इस शिरकत को कैसे देखते हैं? क्या सार्क ममालिक जो हैं वज़ीर दाखिला के इस फोरम को संजीदा नहीं ले रहे, या सार्क जो फोरम है, सार्क साउथ एशियन रीजन कंट्रीज़ का जो फोरम है वो अब इतना इररिलेवेंट हो गया है कि लोग अपने सफ़ीर के ज़रिए अपनी नुमाइंदगी करते हैं यहाँ पे? जी सरदार साहब जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं। मेरा जो तजर्बा सार्क का है उस ज़माने में भी जब मैं वज़ीर ख़ारजा हुआ करता था कि जितने छोटे ममालिक हैं उसमें श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, महसूस करते हैं कि इस सार्क की जो कामयाबी होनी चाहिए थी वो सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तनाज़ात की वजह से नहीं हो रही और ये एक ज़ीरो सम गेम बनती जा रही है। कुछ ना कुछ कोऑपरेशन तो ज़रूर हुई है, ट्रेड में हुई है, कुछ और छोटे छोटे मामलात में ज़रूर कोऑपरेशन हुई है, पर इसमें अल्टीमेटली यही है कि सार्क हॉस्टेज बन गई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तनाज़ात की। और मैं अखीर में ये अर्ज़ ज़रूर करना चाहता हूँ कि सार्क का जो चार्टर है वो इजाज़त नहीं देता दो मुल्कों को कि वो अपने कुछ बायलैटरल डिस्प्यूट को उसको लेके आए टेबल पे, पर होता इस तरह नहीं है, वो हर सार्क मीटिंग में दोनों मुल्क शुरू हो जाते हैं। ठीक ठीक, अच्छा बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि तारिक पीरज़ादा साहब आपकी तरफ आऊँ। ये जो सार्क का फोरम है वज़ीर दाखिला का, जैसे कि मैंने पहले कहा कि बांग्लादेश ने तो अपने सफ़ीर भेज दिया, सरदार साहब ने कहा कि चलें वो इतनी अहमियत नहीं देते छोटे ममालिक, मगर बांग्लादेश की तरफ से सफ़ीर भेजना, इसका क्या मतलब लिया जा सकता है? देखिए, बांग्लादेश का जहाँ तक ताल्लुक है
तो बांग्लादेश के साथ हमारे ताल्लुकात की सतह ताल्लुकात है इस वक्त वो तकरीबन सिफर के करीब है, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह 1971 के वाकयात के पस मंज़र में सबका पाकिस्तानी कहना चाहिए या मौजूदा पाकिस्तानी जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहें, उनको फांसियों पर लटकाया जा रहा है, जमात इस्लामी के लोगों को, हमारे सबका शहरियों को कह लें, और इस बुरी तरह किया जा रहा है कि पिछली बार उस शख्स ने, उस मुल्क के सदर ने बांग्लादेश से अपने सफीर को वापस बुलाया जिसका ताल्लुक बराह रास्त बनता नहीं है, और वो तुर्की के अजीम वजीर आजम उर्दवान साहब हैं। लेकिन पाकिस्तान के बेहिस हुक्मरानों ने जिनमें नफीस जिक्रिया जैसे छोटे मोटे अफसर भी शामिल हैं, जरा बुरा ना मनाइएगा, तर्जुमान नहीं किरदार की कमी है। मैं उनकी जगह होता हूं, मेरे ख्याल में इस्तीफा देकर चला जाता। पॉलिसी लेवल की बात कर रहे हैं, किसी पर्सनल अटैक की नहीं, पर्सनल नहीं, ये तो उनकी ऑफिशियल कैपेसिटी की बात हो रही है। आप अच्छा रहे कि बांग्लादेश ने सफीर क्यों भेजा, तो चूंकि ताल्लुकात की सतह ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ बहुत नीची है। दूसरे हमारी जो सार्क की तंजीम है कि बुनियादी तौर पर एक गैर मुतालका तंजीम की हैसियत इख्तियार कर चुकी है, इसका कोई वजन नहीं रह गया। सरदार साहब कह रहे हैं, छोटे मामले कहते हैं पाकिस्तान और इंडिया ने हाईजैक किया है, असल में सरदार साहब ने जो बात की कि हाईजैक कर लिया है, हकाइक ये है कि जमीनी हकाइक के मुताबिक तंजीमें जिंदा रहती हैं। जमीनी हकाइक बरसगीर के पाकिस्तान, हिंदुस्तान और पूरे इस इलाके के साउथ एशिया के ये हैं कि जब तक यहाँ पर कश्मीर, सियाचिन, सरक्रिक और बड़े बड़े दूसरे और नेपाल के साथ भारत के जो बड़े बड़े मसाइल हैं पानी के, तो सब हल नहीं हो जाते, उस वक्त तक साग जैसी वो तंजीमें जो मुतनाज़ मौजूदात को ज़ेर बहस नहीं ला सकती, वो बेमानी और गैर मौसर ही रहेंगी। सोचिए, इसी पस मंज़र में आपको बांग्लादेश को भी देखना पड़ेगा, इसी पस मंज़र में बाकी ममालिक के किरदार और उनकी दिलचस्पी को भी देखना पड़ेगा, ये वजह है। चलिए ब्रिगेड साहब, आपके ख्याल में ये जो रद्दअमल चौधरी निसार साहब की तरफ से आया, यकीनी तौर पे पहले तो भारतीय वज़ीर दाखला साहब ने ऐसे इल्ज़ाम लगाए, नाम तो उन्होंने भी नहीं लिया, इन्होंने भी नहीं लिया, एक रद्दअमल तो आ गया एक सियासतदानों की सतह पर, तो गो कि आप ख़ुद तो इतनी सफारतकारी के माहिर नहीं रहे, मगर आप समझते हैं कि इससे पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एक चांस था कि अमन मुज़ाकरात होंगे, कंपोजिट डायलाग होगा, इस तरह के वाकयात से उस पर क्या असरात पड़ेंगे उस इम्कान के ऊपर कि पाकिस्तान और भारत बाकायदा तौर पे बैठ के आप शुक्रिया। जब मैं थोड़ा सा माजी पर नज़र डालता हूँ तो मुझे याद आ जाते हैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और सरदार सूरन सिंह और उनकी जो यूएन में जड़ फूटी थी कश्मीर के हवाले से, तो उस वक़्त हम बच्चे थे और उसको पढ़ते थे और उसको इंजॉय भी करते थे। उसी तनाजुर में ये जो इंटीरियर मिनिस्टर राजनाथ और चौधरी साहब निसार साहब के दरमियान जो बाउट हुआ है, ये भी उसी तनाजुर में एक कश्मीर सेंट्रल पॉइंट है। और जब तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के हवाले से ये जो अनफिनिश्ड एजेंडा है, इसको जब तक ये एड्रेस नहीं करेंगे, इसको जब या तो बाहमी तौर पर इसको हल करें या यूनाइटेड नेशन का जो रिजोल्यूशन है उसके मुताबिक उसको हल करें, मतलब उसका हल ढूंढें, ये एक मसला है। और इस मसले को सार के सतह पर उठाना, जाहिर है कि उसके पीछे एक बैकग्राउंड था। जब राजनाथ साहब आए थे तो उसने कश्मीर के हालात देखे थे, कश्मीर में जो इंतफादा उठा है और जिस तरीके से बैनुल अक्वामी सतह पर उसका चर्चा हो रहा है और स्पेशली जो वहाँ पर ब्रूटल फोर्स इस्तेमाल हो रहा है और जहाँ पर पैलेट्स गन्स जो कि बच्चों को ब्लाइंड किया जा रहा है और बिनाई से महरूम किया जा रहा है, तो उस तनाजुर में मेरे ख्याल में उस पर एक बैग बैगेज था, राजनाथ के कंधों पर एक बैग बैगेज पड़ा हुआ था और उस बैग बैगेज को वो किसी तरीके से फेंकना चाहता था और वो फेंकने का या वो प्रीएम्प्ट कर रहे होंगे कि इससे पहले के चौधरी निसार साहब कश्मीर की बात करें तो हम मैं ही बात मतलब है कि मुझे रिबाउंड का या रिबटल का मौका नहीं मिलेगा तो इसलिए प्रीएम्प्ट कर दो और प्रीएम्प्ट करते हुए आप इसको पेंट कर दे, जो कि हिंदुस्तान का एक एक आजमूदा नुस्खा है कि आज़ादी को दहशतगर्दी के साथ जोड़ दो। और दूसरी बात यह कि स्टेटस को किसी हाल में, जमूद को किसी हाल में मत तोड़ो, और तीसरी बात कश्मीर को हमेशा हिंदुस्तान का हिस्सा समझो, इसको किसी सतह पर डिस्कस न करो। अच्छा, हमारी तो ये तीन बैकग्राउंड्स थे
उनके कंधों पर, और उसने ऐसी बात कह दी कि उसने चौधरी साहब को भी मौका दिया कि मतलब है कि पुर्जे पुर्जे हो गए जो भी दोनों के। मगर एक बात तो ये कि चले उन्होंने तकरीर का जवाब तो दे दिया, मगर फिर चौधरी निसार साहब बतौर मेज़बान एक उन्होंने लंच किया जिसमें तमाम ममालिक के डिग्नेटरीज उनको इनवाइट किया गया, तो उस लंच को चौधरी निसार साहब की तरफ से मिस करना, ये मैं चाहूँगा फिजा साहब अगर आप थोड़ा सा, या मैं सरदार आसिफ साहब से पहले ज़रूर पूछूंगा, सरदार साहब क्योंकि आप तो वज़ीर वज़ारत ख़ारजा के हवाले से काफ़ी करीबी मालूमात भी रखते हो, तजुर्बा भी रहा है, क्या चौधरी निसार साहब को इन तमाम मेहमानों के एजाद में दिया गया लंच मिस करना चाहिए था, मेज़बान को वहाँ पर मौजूद होना चाहिए था या नहीं? सच बताऊं कि यह आन को ये मौका दिया गया को कि वो हमारी बातें करे, हमारी मेहमान नवाजी के बारे में मनफी बातें करे, नहीं करना चाहिए था। इस कॉन्फ्रेंस का जो होस्ट था वो तो पाकिस्तान था और पाकिस्तान के वज़ीर दाखला थे, उन्हें ये नहीं, वो बाकी भी मुल्क वहाँ मौजूद हैं, उनके साथ हमारे दो तरफ़ा ताल्लुकात भी हैं और बहुत से मुल्कों के साथ बहुत अच्छा मालदीव दूसरों, तो उनकी भी इस तरह मैं समझता हूँ कि तुहीन की गई है। तो चौधरी साहब को चाहिए था कि फॉरेन ऑफिस से किसी से पूछ लेते, मीटिंग को सरदार आसिफ से हमारा रबता डिस्टर्ब हो रहा है, हमारी कोशिश है कि उनसे रबता फौरी तौर पे बहाल हो और हम दोबारा उनके पास जाए। फिजा साहब आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि क्या चौधरी निसार साहब को बतौर मेज़बान गायब हो जाना चाहिए था? मैं इसका जवाब कुछ इस तरह दूंगा कि भारत जैसे गलीज रियासत, मैं आपको सही बता रहा हूँ, देखिए मेरा भारत के साथ बहुत इंटरेक्शन है, मैं भारत के साथ इतना रोजाना की बुनियाद पर एक तरफ आप मेजबानी की बात हो रही है, एक तरफ आप इसमें ही लहजे में होना चाहिए भारत का जिक्र, नहीं देखिए वो बेशक है लेकिन एक तजिया कार को ये अल्फाज जेब नहीं देते, आप एक पढ़े लिखे तजिया कार, आप फर्ज कर ले मैं अनपढ़ उधर बैठ के लोग पाकिस्तान पाकिस्तान को गलीज के इधर बैठ के हम भारत को गलीज करें कि भारत हमारे चले ठीक है इस्तेमाल करता है प्रोग्रामों में, मैंने उसका सवा हिस्सा भी नहीं इस्तेमाल किया, ठीक है तो मैंने जानबूझ के लफ्ज इस्तेमाल किया, हम उन्हें दलील के साथ अगर अच्छा, बात करें तो अब अच्छा मैं दलील की तरफ आता हूं, मुहज्जब लोग हैं, अब मैं जरा अपने लोगों के किरदार की तरफ आ जाता हूं। आपने चौधरी निसार साहब का जिक्र किया, उससे पहले नफीस ज़करिया साहब मोहतरम का आपने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान में जो कॉन्फ्रेंस में हुआ है उसके मुतलिक तो उन्हें कुछ इल्म ही नहीं है। अभी आपके प्रोग्राम में उन्होंने चंद मिनट पहले नफीस ज़करिया साहब को छोड़ दें, चौधरी निसार साहब ने लंच मिस किया, चौधरी निसार साहब का मसला ये है कि उन्होंने भी किसी से पूछना गवारा नहीं किया और इसके लिए पूछने की जरूरत नहीं थी, इसके लिए कॉमन सेंस की जरूरत थी, एक मुश्तरका शऊर की जरूरत होती है कि भाई आप मेज़बान हैं, या तो आप मेज़बानी करने से इनकार कर देते हो, कहते कि किसी और वजीर को भेज दें आप, लेकिन इसके लिए तो एक आम माकूलियत की सतह पर फैसला हो सकता है कि मुझे मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देने हैं या नहीं देने हैं, तो वो उनको मैं सरदार आसिफ अली साहब से मुत्तफिक हूँ, उनको वहाँ होना चाहिए था, क्योंकि दीगर ममालिक देखें हमारे श्रीलंका से इतने ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, आज डिफेंस के भी हैं इकॉनमी के भी हैं, भूटान का वज़ीर अभी भी हमारे यहाँ पर सवाद की सैर कर रहे हैं, इस वाक़े को भुला कर उनकी मैं कुशादा दिली की तारीफ़ करूँगा। चुनाचे इस चौधरी निसार ने अच्छा नहीं किया, इससे मुल्क बदनाम होता है, लेकिन चूंकि ये इतनी छोटी सतह की कॉन्फ्रेंस थी कि दुनिया में मेरा नहीं ख्याल सवाए हिंदुस्तान के कहीं और इसका नोटिस लिया गया होगा, लेकिन ये खुशी की बात नहीं है। लेकिन यकीन तौर पर जो मेहमान लोग आए हैं हमारी कोशिश है सरदार आसिफ से अगर हमारा रबता हो गया। सरदार साहब आपसे वही सवाल है, अब आपके ख्याल में भी यही कि चौधरी निसार को लंच मिस नहीं करना चाहिए था, मगर एक और सवाल जो वहाँ पे उठाया गया लोकसभा में, राजनाथ ने कहा कि उनको ये मालूम नहीं कि मीडिया पे तकरीर लाइव थी या नहीं, तो क्या पाकिस्तानी मीडिया को ये तकरीर तमाम लाइव दिखानी चाहिए या कम से कम इजाज़त होनी चाहिए वो दिखाएँ या ना दिखाएँ उनकी अपनी मर्ज़ी, क्या इजाज़त होनी चाहिए ऐसी तकरीर को दिखाने की? आपकी आवाज ये ऑडियो जरा करते
तो फिर उनको मौका मिल जाता है कि जो मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा ज़रा इनकी ऑडियो ठीक कर दें और फिर उसके बाद दोबारा हम सरदार आसिफ से जो है रابطہ करने की कोशिश करेंगे। जी बगैडी साहब, मीडिया के ऊपर तकरीर के हवाले से आप नहीं समझते कि बहुत सी चीज़ें आजकल दुनिया में कोई चीज़ छुपी तो रहती नहीं है? हमने अभी सुना राजनाथ ने जो बात की, हमने उनका भी एक मौक़िफ़ सामने आया, तो जब तक एक दूसरे को मौक़िफ़ को आवाम सुनेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे? तो आप क्या कहते हैं, क्या सुना देनी चाहिए, इसमें हर्ज क्या है कि क्या मीडिया को भी जो है एक साइड पे खड़ा होके नाराबाजी में शामिल हो जाना चाहिए? नहीं, ये तो पहले से तय कराना चाहिए था कि भाई कौन इसकी कवरेज करेगा और वो कवरेज लाइव होगी या वो कवरेज मतलब बाद में उसके डिटेल्स दिए जाएंगे, एक तो ये था। दूसरी बात ये कि इनका सफारतखाना इधर मौजूद है, अगर उनको ऐसी कोई बातें थी जो कि उसने वहाँ पर लाइव कही और वो नशर नहीं हुई, तो मेरे ख्याल में फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो बुला सकते थे वो राजनाथ साहब, और अपना मुद्दा बयान कर सकते थे, यानी एक फोरम मौजूद था। तीसरी बात ये, उन्होंने भारत में जाके भी अभी तक कोई मीडिया टॉक नहीं की। लेकिन तीसरी बात ये है कि जहाँ तक उसने जो कुछ कहना था, क्योंकि पहले तो कहा कि ब्लैकआउट किया गया, लेकिन उस इंडिया के मीडिया ने कहा कि ब्लैकआउट था, जबकि राजनाथ साहब ने खुद कहा कि मुझे पता नहीं है कि ब्लैकआउट था या नहीं, लेकिन ब्लैकआउट नहीं था, उसकी बातें तो हमने भी सुनी भी और उसके अलावा साफियों ने भी सब ने भी वो दिखाई भी। ये तो मामूली मसाइल होते हैं, लेकिन असल बात जो है वो ये थे कि उसने आने से पहले एक बयान दिया था कि मैं सार्क के फोरम के अलावा पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर से या किसी उस फोरम पर नहीं मिलूंगा, मुलाकात नहीं करूंगा, जबकि ये सफारती आदाब जो होते हैं उसमें ये शामिल होता है कि आप साइड लाइन्स पर ज़रूर मीटिंग करते हैं कि ये मौका मिलता है कि आपको कुछ रेपो इस्टेब्लिश हो जाते हैं और कुछ न कुछ आपका जो यू ब्रेक द आइस और कुछ रिलेशन में ता या एक किस्म का जो गर्मजोशी या वो आ जाती है। तो ये भी एक पहले से तो ये शुद्धा एक किस्म का वो एक प्रेजुडिस लेकर आए, तय करके आए थे, और जिसकी वजह से गुस्सा दोनों तरफ से था। सरदार आसिफ साहब से हमारा रابطہ हो गया है। सरदार साहब, ये जैसे कि अभी ब्रिगेडियर साद नज़ीर साहब ने भी कहा कि राजनाथ ने आने से पहले भी कुछ ऐसे बयान दिए कि मैं वज़ीर दाखिला से नहीं मिलूंगा और सिर्फ सार कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आ रहा हूँ, ये भी बज़ाहिर एक सफारती अदाब की मुनाफी एक बात है। तो इस तरह की टेंशन जो सियासी सतह पर हो रही है या सियासतदान पैदा कर रहे हैं दोनों ममालिक के, कितना मुश्किल या आसान होगा दोनों ममालिक के सफारतकारों के लिए कि वो इस कशीदगी पर हावी हो सकें और मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ा सकें? देखिए जी, मैं इसमें एक बुनियादी बात करूंगा। पहले तो ये मैं ज़रूर ये अर्ज़ करना, उनकी स्पीच हमारे मीडिया में पूरी तरह कवर होनी चाहिए थी। क्या हमें अपने मौक़िफ़ पे या अपने आप के ऊपर एतमाद नहीं है? क्या हमारा जो केस है, हमारा सारा पाकिस्तान का जो मॉरल स्टैंड है, क्या हमें एतमाद नहीं है कि वो दुरुस्त है? क्या हम इतने कमज़ोर हैं कि एक हिंदुस्तान के वज़ीर जो नीम दीवाना इंसान है उसी तकरीर से पाकिस्तान तो खौफजदा हो जाएगा? तो हमें इजाज़त देनी चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि ये जो सार की ये मीटिंग जो हुई है, ये दोनों तरफ से इसमें डिप्लोमेट्स नहीं हैं और ये बड़ी बड़ी बुरी तरह इसको मैनेज किया गया है। अगर दोनों तरफ से उनका भी फॉरेन ऑफिस साउथ ब्लॉक, हमारा भी फॉरेन ऑफिस, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के साथ बैठ के तो फिर मामलात और सारी उसकी डिटेल्स को तय करता, तो इस तरह की जो नेगेटिव एक रिजल्ट आया वो ना आता। कम से कम इतना ज़रूर होना चाहिए था कि दोनों मुल्क बात करते कि टेंशन रिडक्शन के कैसे मुमकिन है, तनाज़ात तो मौजूद हैं, उन तनाज़ात को मैनेजमेंट कैसे करनी है दोनों मुल्कों ने, इस सतह पे तो बात हो सकती थी। मगर जो माहौल पैदा किया गया वो एक बड़ा चार्ज और पोलिटिकल माहौल था और उसमें निकलना भी कुछ नहीं था, वो सभी जानते थे, आप भी जानते थे, मैं भी जानता था। मगर इससे हुआ ये है कि दोनों मुल्कों में एक और यानी बैड ब्लड
पैदा किया हुआ है। ठीक सर, ये एक सवाल और उठता है, ब्लॉक्स में और मुश्किलात पैदा होंगी। ठीक है, राजनाथ ने अपनी तकरीब में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, मगर इशारे वाजे थे, और चौधरी निसार ने भी नाम नहीं लिया। सवाल ये पैदा होता है कि क्या दहशतगर्दी के ऊपर किसी का बयान आ जाने से पाकिस्तान को या पाकिस्तानी नुमाइंदों को फौरी रद्द अमल इस तरीके से करना चाहिए? जी देखें, चौधरी निसार साहब डिप्लोमेट नहीं है, ना वो डिप्लोमेट हैं ना वो हिंदुस्तान वाले डिप्लोमेट हैं। ये काम डिप्लोमेसी का, इसमें लैंग्वेज का इस्तेमाल, इसमें न्यूंसेस, छोटी छोटी चीज़ें, फैसला तो हमने ये करना है कि क्या हम कशीदगी और चाहते हैं, क्या हम आइंदा हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुज़ाकरात की दोबारा बहाली चाहते हैं, और आइंदा समिट होनी है वो पाकिस्तान में होनी है, और उस समिट में नरेंद्र मोदी ने भी आना है। ठीक, तो क्या उस समिट से पहले हम इस खत्ते में इतनी टेंशन पैदा कर दें कि समिट में भी फिर वैसी की वैसी एक हाथ मिलाया नहीं मिलाया और कुछ भी ना, एक दूसरे को देखा नहीं देखा, फिर मीडिया कहेगा, न्यूंसेस हैं, से टेंशन पैदा होती है। टेंशन के होने वाले वाकये की हमारे साथ मौजूद हैं तारिक पीरज़ादा, तजियाकार हैं। तारिक पीरज़ादा साहब, वो कौन से ऐसे मामलात हैं जिन पर सार्क वज़रा दाखिला अगर संजीदगी से गौर करते तो इस खत्ते के आवाम का कुछ फ़ायदा होता? देखिए, ये जो आम तौर पर इस सतह की कॉन्फ्रेंसें होती हैं वज़राए और वज़ारत हाय दाखला जो दोनों मुल्कों की या कई मुल्कों की हुआ करती हैं, उनके दरमियान ये ज़्यादा वीज़े की बातें हुआ करती हैं, कुछ सकाफ़ती तबादलों की बातें हुआ करती हैं, कुछ थोड़ा सा मामूली सतह की कशीदगी कम करने की बात हो सकती है अगर बहुत अच्छे माहौल में गुफ्तगू हो रही हो। ये कश्मीर के पस मंज़र में जो कॉन्फ्रेंस ये हो रही थी, इसके अंदर तो आप अगर इलाहियाती तवक्कुआत भी लेकर इस कॉन्फ्रेंस में दाखिल होते तो तब भी आप नाकाम होते, क्योंकि जब 5,000 कश्मीरियों की का खून गिरता है, 100 कश्मीरियों की लाशें गिरती हैं, भारतीय फौज 70 साल से क्या ऐसे खून बहा रही है, क्या ऐसी कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्द जैसे मुजी चीज को डिस्कस नहीं करना चाहिए, जिसका पाकिस्तान खुद शिकार है, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का शिकार है, और जो कबायली इलाकों में हम दहशतगर्दी का शिकार है, हम कह रहे हैं भारत दहशतगर्दों की हिमायत कर रहा है, तो क्या दहशतगर्दी के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए? मैं उसका जवाब दे देता हूँ। मैं कहता हूँ दहशतगर्दी पर बात होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या फोरम को किसी एक मुल्क के नुक्ता नज़र को फरोग देने के लिए अपने अपना नुक्ता नज़र करें, लेकिन बात होनी चाहिए। नहीं, बात तो हुई है लेकिन उस तरह नहीं हुई खुलकर जिस तरह की होनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने कहा कि कश्मीर के पस मंज़र में सूरत हाल का रुख ही बदल गया था। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूँ, सूरत हाल यह है कि हिंदुस्तान किसी भी सूरत में किसी भी होने वाली कॉन्फ्रेंस को ले लें आप, चाहे वो आने वाली सदारती सतह की कॉन्फ्रेंस हो सार्क की, या जो पहले हो चुकी हैं पिछले सालों में, वो पाकिस्तान के ऊपर वो जो दाग है लगाना चाहता है दहशतगर्दी का, वो उसकी खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। अच्छा, चुनाचे मुझे बताए ना, क्या पाकिस्तान को सार्क से निकल जाना चाहिए? मैं पाकिस्तान को नहीं कहता, मैं समझता हूँ कि अदारा जो है अपनी हिफाजत को, नहीं नहीं, पाकिस्तान क्या करे वो बताया, मैं समझता हूँ इस अदारे को इसी तरह गैर मौसर छोड़ देना चाहिए। छोड़ क्या मतलब, बीच में बैठा भी रहे, काम से भी अटेंड करता, बिल्कुल ऐसा ही होता है, कुछ भी ना करें। नहीं, इसलिए कि आप क्यों इल्जाम लें कि आपने किसी तंजीम को तोड़ दिया है, मैं भी एक सफारतकारी का आपको मशवरा दे रहा हूं। तो इल्जाम आप दे भी तो सकते हैं ना, एक फोरम में बैठ के बात भी तो कर रहे ना आप। नहीं, बात हो नहीं रही। देखिए, बात अगर हो रही होती तो मैं इससे तो उसकी तारीफ कर रहा होता। ब्रिगेडियर साहब, ये वज़रा दाखला की कॉन्फ्रेंस है सार्क ममालिक की, आपके नज़दीक एजेंडे पे क्या क्या चीज़ होनी चाहिए थी, और उस पर क्या कंक्रीट रिजल्ट निकलना चाहिए था इस कॉन्फ्रेंस का जो नहीं हो सका? देख लो, एक तो जो ममालिक है सार्क के, इनके दरमियान वीज़ा फैसिलिटेशन जो है बड़ा, दूसरी बात ये है कि पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है, तीसरी बात ये है कि नार्कोस स्पेशली जो ड्रग्स हैं या इस किस्म के जो चीज़ों का ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग अनदर, फिर हमारे जो माहीगीर उधर पकड़े जाते हैं उनके इधर पकड़े जाते हैं, एक बड़ा इशू होता है जिसमें मासूम होते हैं, उनका तबादला जल्दी हो और उसके लिए कोई फोरम हो जो इसको एड्रेस किया जाए, मीडिया का आपस में ये भी ज़रूरी है कि एक दूसरे को कवर करें, फिर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ये भी बड़ा ज़रूरी पहलू है जो कि इनके दरमियान होना चाहिए, और फिर जो है
जो वार्निंग्स होती है फ्लड्स की, क्योंकि वज़ारत दाखिला के फोरम के ऊपर मेरे ख्याल में तो सबसे आम इशू लॉ एंड ऑर्डर ही है, दोनों कंट्रीज एक दूसरे पे इल्जाम लगाती हैं, ड्रग्स भी इसमें बिल्कुल उससे और उस पे टेरर फंडिंग है, ये सारी चीजें मैं चाहूंगा सरदार आसिफ साहब, जो वेदर वार्निंग है ये बड़ा जरूरी है। सरदार आसिफ साहब मैं आपसे भी यही सवाल करना चाहूंगा, क्या सार्क वज़राए दाखिला कॉन्फ्रेंस के फोरम पर इस खत्ते में दहशत गर्दी के हवाले से बात नहीं हो सकती या करनी चाहिए, और अगर करते हैं तो उसका मस्बत कैसे आउटकम निकाला जा सकता है? जी मतुल्ला साहब जी ये बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि दहशतगर्दों के लिए कोई बाउंड्री नहीं होती, उनके लिए मुल्क नहीं होते, उनके लिए सारी दुनिया होती है, खत्ते होते हैं जहां वो अपनी कार्रवाइयां करते हैं। फिर उसके बाद जो नारकोटिक्स करने वाले हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले हैं, इस तरह जो क्रिमिनल गैंग्स हैं, इश्यूज हैं, और उनके ऊपर एक बहुत बड़ा इशू ये भी है जो हमें एक पाकिस्तान को एक सख्त गिला है कि हिंदुस्तान के बार बार पाकिस्तान में जासूस पकड़े जा रहे हैं, तो हमें ये इश्यूज रेज करने चाहिए थे कि जनाब एक दूसरे में मुल्कों में आप इंटरफेरेंस बंद करने प्रैक्टिकल प्रोटोकॉल्स बनाएं। ये जो जासूसी है ये तो फिर भी होती है, इसको कोई रोक नहीं सकता, मगर किसी कोई प्रोटोकॉल तो हो कि ये ना हो कि हम महसूस करें कि हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज हिंदुस्तान कर रहा है, बलूचिस्तान में कर रहा है, या किसी हमारे पास अगर कोई शवाहद हैं तो दहशतगर्दी में हिंदुस्तानी कोई इन्वॉल्व है, तो ये सारे इश्यूज टेबल पे होने चाहिए थे। ब्रिगेडियर साहब ने भी फरमाया कुछ इश्यूज, वीज़ा के इश्यूज हैं, फिर डिवाइडेड फैमिलीज हैं, फिर बहुत से लोग इलाज के लिए हिंदुस्तान जाते हैं, इतने ज़्यादा टेबल से जिनका ठीक। तो सरदार साहब कितना रेलेवेंट है ख़ासकर भारतीय वज़ीर दाखला का बयान कि दहशतगर्दी जो है वो अच्छी या बुरी नहीं होती, दहशतगर्दी दहशतगर्दी होती है, और फिर चौधरी निसार ने कहा कि दहशतगर्दी और तहरीक आज़ादी में फ़र्क करना चाहिए, आप दोनों से एग्री करते हैं? जी देखिए, उन्होंने हिंदुस्तान की जो नुक्ता नज़र है, उनका जो मौक़िफ़ है, उन्होंने वो बयान कर दिया, हमने अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया, हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो जो ये बाकी इश्यू जो थे वो सब धरे के धरे रह गए, वो सारे के सारे रह गए, और जो बाकी दूसरे साथ के जो ममालिक हैं वो यहाँ से मायूस होकर गए होंगे, और वो फिर जाके घर जाके सोचेंगे कि सार की चलें इसके बाद जो समिट है वो तो मेरे ख्याल में उसके कोई चांसेस नहीं है उस पर। नहीं, समिट तो होगी, वो सार्क की समिट है, चलें वो तो जरूर एजेंडे पे है, वो होनी है। बहुत शुक्रिया सरदार।